इथर्स इथर का जो फाइनल ये प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हमेशा लास्ट लेक्चर के बाद में पूरा प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की और उसके साथ साथ में कॉम्पिटिटिव की प्रॉब्लम्स का पूरा एक वीडियो होता है। तो प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो मैंने कहा है, मतलब ये आखिरी नहीं है, ये केमिकल बॉन्डिंग का है, इसके बाद प्रॉब्लम्स के लिए और वीडियो ईथर के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमको जो फोकस करना है वो हमको केमिकल प्रॉपर्टीज पे करना है कि हाउ ईथर रिएक्ट। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो वापस हमने आपको बताया हुआ है और मुझे बहुत पसंद है, बहुत जल्दी से लर्न होता है, और वो है पावर मैप मेथड। तो ये जो है वो ईथर का पावर मैप मेथड है, इसको भी एक बार देख लीजिए, लेकिन इस बार ये केमिकल प्रॉपर्टीज का है। तो ईथर्स इनर्ट है, ठीक बात है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ईथर इनर्ट है, स्टेबल कंपाउंड है, और इसीलिए ये बेस्ट जो है वो सॉल्वेंट है। और क्योंकि इनर्ट है इसलिए ये एक्टिव मेटल्स जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम हो गए, या फिर डाइल्यूट एसिड कोई भी हो, डाइल्यूट एसिड, तो ये जो डाइल्यूट एसिड है उन डाइल्यूट एसिड से भी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्लियर। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से भी ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब मोर एंड लेस सेकेंड पॉइंट पे हम ये बात समझाना चाहते हैं कि ईथर इज नॉन रिएक्टिव, क्लियर। किसी को भी इसके अंदर डिजोल्व कर लीजिए, ईथर इज नॉन रिएक्टिव। और यहीं पर एक प्रॉब्लम भी बनती है जिसका आंसर भी हमको यहां से मिलेगा, और वो एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई जो ईथर से आपके वो बेस्ट सॉल्वेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई ईथर इज बेस्ट सॉल्वेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं व्हाई ईथर इज बेस्ट सॉल्वेंट। तो उसका सबसे पहला है वो तो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, उससे क्या हो गया, किसी को भी उसमें डिसोल्व करोगे तो उसका जो आ, आ, आपको मालूम होना चाहिए मोर वोलेटाइल, ज्यादा वोलेटाइल है, जल्दी से उठ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट जो यहां पर दिया हुआ है वो जिसको आप डिसोल्व कर रहे हो उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा बिकॉज ईथर जो है वो नॉन रिएक्टिव है। तो ये वो तीन रीजन है जिससे आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है कि वाई ईथर बेस्ट, वाई ईथर्स कोई भी ईथर्स हो आर बेस्ट सॉल्वेंट बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, सो व्हाट देयर दे आर मोर वोलेटाइल, किसी को भी डिजोल्व करोगे जल्दी से वोलेटाइल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड नॉन रिएक्टिव, वो किसी के साथ जिसको डिजोल्व कर रहे हैं उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। तो बच्चों हमने यहां पर भी लिखा है दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप साइट, ओके, दे डू नॉट हैव एनी एक्टिव साइट, ओके, इन द इन देयर स्ट्रक्चर, देयर फॉर ईथर्स आर लेस रिएक्टिव। उसमें एक चौथा और मैंने लिख दिया है कि दे डू नॉट हैव एनी रिएक्टिव साइट। तो पावर मैप मेथड बेस्ट होता है। तो देखिए पावर मैप पे हमने सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश की है कि ईथर कितनी तरह की जो है वो रिएक्शंस दे सकता है। इस पावर मैप का मीनिंग यही आपको लर्न होना चाहिए, ईथर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, उसको हम क्लोरीनेशन बोलेंगे, डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। ईथर हमको ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्टिव कर सकता है और एसिड के साथ भी, लेकिन कैसे, ईथर रिएक्ट विथ एसिड, क्लियर, कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेट के साथ भी कर सकता है और लुईस एसिड के साथ में भी कर सकता है, ओके। तो ये आपको इथरेट्स देंगे या फिर ऑक्सोनियम आयन देंगे। तो जैसे पहला था आपका, एक बार लर्न कैसे करना है, ऐसा नहीं कि सारे को यही लर्न करना है, कीप इन माइंड। तो पहले वाला था कि रिएक्शन विथ क्लोरीन इन लाइट एंड रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन डार्क, ये स्लो है और ये वाली फास्ट है। तो ईथर जब क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन करेगा, टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जैसे ईथर था तो मोनो क्लोरो ईथर, आगे और आएगा तो डाई क्लोरो ईथर, ऐसे कुछ आएगा। तो ये हम देख रहे हैं आगे रिएक्शन में। लेकिन अगर आपने लाइट लिया तो एक साथ जितने हाइड्रोजन है उतने सारे के सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे उन सब की जगह Cl लग जाएगा, तो C2Cl5, C2Cl5, तो ये लाइट और डार्क में, और ये फास्ट होगी, जबकि इसके लिए हमने यहाँ पर स्लो लगाया था, ठीक है। और इसमें सारे हाइड्रोजन अटके और उसकी जगह Cl लग जाएंगे, जबकि इसके अंदर जो है जब आप डार्क में करोगे स्लो रिएक्शन होगी और एक एक करके हटेगा। तो ऐसे आपको धीरे धीरे लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। अब सेकंड देखते हैं कि एसिड के साथ में, तो वापिस आप क्या देख रहे हैं, एसिड के साथ दो तरह से हैं, एक लुईस एसिड्स के साथ में है, जैसे BF3, AlCl3, इनको जो है वो हम सबको जो है वो लुईस एसिड कहते हैं, और एक हमारे नॉर्मल मिनरल एसिड्स जैसे HCl, HNO3, H2SO4 के साथ में कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ईथर इज नॉन रिएक्टिव। तो जब आप एसिड्स के साथ में करेंगे तो आपको ऑक्सोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब आप लुईस एसिड्स के साथ BF3, AlCl3 के साथ करेंगे तो आपको यहां पर ईथरेट्स मिलेंगे। और दोनों को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर बहुत जरूरी बात है, यहाँ पर रिएक्शन तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन दो तरह की रिएक्शन है, नंबर वन विथ एसिड्स, नंबर टू विथ लुईस एसिड्स, क्लियर। ऊपर वालों को आप प्रोटोनिक एसिड कह सकते हो, तो वहां पर वो प्रोटोन यहाँ आके लग जाएगा H+, तो ऑक्सोनियम सोल्ट बन जाएगा, और यहाँ पर ये BF3, AlCl3 डायरेक्ट लग जाएंगे, तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड, उसको हम इथरेट्स बोलेंगे, क्योंकि बच्चों दोनों ही रिएक्शन में इसको इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो देना है, क्योंकि हमने बोला है बेसिक नेचर एंड रिएक्शन विथ एसिड्स, तो ईथर की बेसिक नेचर के बाद, तो ईथर कीप इन माइंड ईथर इज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ईथर इलेक्ट्रॉन देगा और प्रोटॉन को ले लेगा, तो ऑक्सोनियम सोल्ट बनेगा और दूसरा ईथरेट्स, लेकिन ये डिटेल में हम देखेंगे। अभी मेरा पर्पज अलग है पावर मैप के लिए, आप जानते हो मैं कहता हूं लर्न होना चाहिए। ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे तो याद रखिए, या तो ये लॉन्ग टाइम के लिए एयर में इसको छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, तो ये जो अल्फा कार्बन है ऑक्सीजन के बाद में, इससे एच हटेगा और यहां पर ये दोनों ओ की एंट्री होके और लास्ट में वापिस ये जो एच है वो यहां पर लग जाएगा, तो OOH, इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1-ethoxy इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, 1-ethoxy, ये पूरा इथोक्सी है, 1-ethoxy इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, ओके। तो ये एक्सप्लोजिव होता है, लेकिन अगर ओजोन से रिएक्शन करेंगे तो ओजोन आपको एक ऑक्सीजन देगा विच इज एसोसिएटेड, क्योंकि इसके पास 6C है, तो एसोसिएट विद दिस लेगा अपने इलेक्ट्रॉन को यहां से और यू विल गेट परऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन के साथ में इसकी रिएक्शन हुई है, ठीक है। आगे देखिए, देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो एक क्लीवेज ऑफ CO बोन। अब एक भी CO का बोन क्लीवेज होता और दो भी हो सकता, तो इसको रिएक्शन को डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, पर एटलीस्ट जरा मेरे साथ बोल के देखिए। जब आप पावर मैप देखते हैं तो पहला क्या है आपको क्लोरीनेशन, क्या है सब्स्टिट्यूशन, एक डार्क में, एक क्या है लाइट में, H हटेगा Cl लग जाएगा, आगे फिर H हटेगा दो Cl भी लग सकते हैं, जबकि इसमें जब ये लाइट में होगी तो सारे हाइड्रोजन एक साथ निकल जाएंगे, तो ये पावर मैप को लर्न कर रहे हैं। अब आप देखिए एसिड के साथ में, तो अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, वन जो एसिड है वो आपका HCl, HCl H2S4 ऐसा है, राइट, लेकिन जो अनादर है वो आपका BF3 लुईस एसिड्स है, तो लुईस एसिड्स के साथ में आपके ईथरेट्स बनते हैं, तो मैं यहाँ ईथरेट्स को मार्क कर देता हूं, ध्यान ये रखना है अपने को, तो यहां पर ये ईथरेट्स बनते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो ऑक्सोनियम सोल्ट्स बनते हैं, यहां जो बन रहे हैं वो सारे के सारे ऑक्सोनियम सोल्ट बनते हैं। तो ये दोनों एसिड के साथ में रिएक्शन आपको आनी चाहिए, जिसको डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर डिटेल नहीं पढ़ा हमने। फिर ये रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ओजोन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक छोड़ेंगे तो हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा OOH, लेकिन जब ओजोन के साथ करेंगे तो केवल एक ऑक्सीजन लगेगा और ईथर डाइथाइल ईथर परऑक्साइड बन जाएगा। एंड फाइनली क्लीवेज है,
तो आर ओ एक जगह भी टूट सकता है, दोनों तरफ से भी टूट सकता है। तो इसके बारे में सबसे मेन रिएक्शन है, इसके बारे में हमको डिटेल में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पावर मैप। तो ये पावर मैप आपको आना चाहिए, इस पावर मैप को आएगा तो आप अच्छी तरह से रिएक्शन कर पाओगे। ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार इस पावर मैप को देखिए। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रिएक्शन को लर्न करिए, पर पावर मैप को देख के कम से कम आपको आ जाएगी, ईथर इज इनर्ट, स्टेबल कंपाउंड है, लेस रिएक्टिव है, इजीली एक्टिव मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। रीजन मैंने आपको बता दिया कि लीस्ट पोलार है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि डज नॉट हैव एनी एक्टिव फंक्शनल ग्रुप, और फिर मैंने आपको दो पॉइंट और बताए थे इसके अंदर कि ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं मिलता है, तो एसोसिएशन भी बहुत कम होता है। क्लियर? तो ये वो पॉइंट थे जो बताते, और आपको बताया था कि इट इज बेस्ट सॉल्वेंट क्योंकि ये लीस्ट पोलार है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ज्यादा वोलेटाइल है, तो किसी को भी बोलेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये सब पॉइंट है, इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है। क्लियर? और ये नीचे पावर मैप है जिसपे सबको फोकस करना है कि पहली जो रिएक्शन है फिक्स कर लीजिए, एक बार लर्न होना चाहिए, पावर मैप लर्न होगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे, बाकी चीजें तो बाद में हो जाएगी। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में भी ले लीजिए क्लोरिनेशन, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एच को हटाएंगे और सीएल को लगाएंगे, स्लो लाइट में होगी तो स्लो होगी, लाइट में होगी तो सॉरी फास्ट होगी, लेकिन अगर डार्क में होगी तो लिखा हुआ है बहुत स्लो होगी। और करना क्या है, जब ये डार्क में कराते तो स्टेप वाइज, जैसे इस अल्फा से एक एच हटा, एक सीएल लग गया, फिर अल्फा से हटा तो अल्फा अल्फा डेस भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जितने हाइड्रोजन है, 3, 2, 5, 6, 7 और 10, ये 10 के 10 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे विद एस सी एल, और इनकी जगह पर सी एल फाइव सी एल टू आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बना है सी टू सी एल फाइव ओ सी टू एच फाइव, इसको बोलते हैं पर क्लोरोडाइथाइल ईथर। तो ये आपके पावर मैप की पावर है, पावर मैप को ध्यान रखना, जितना ज्यादा याद होगा उतना आपको फैसिलिटी होगी। अब बेसिक नेचर ऑफ ईथर, तो बेसिक का मतलब ईथर को इलेक्ट्रॉन को देना है, तो एसिड से कर सकते हैं, तो एक तो प्रोटोनिक एसिड होते हैं, प्रोटोनिक एसिड कैसे, जैसे यहां पर मैंने लिखे हुए हैं जिसमें H प्लस होता है उसको बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड, जैसे मैंने लिखा हुआ HCl, HNO3, H2O, ये नीचे H2SO4, C2H5O, ये सब के सब जो हैं वो ईथर से जो लोन पेयर को दे सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। क्लियर? और प्रोटोन को ले लेते हैं और ऑक्सोनियम सोल्ट बनाते हैं, तो ये अपने को याद होना चाहिए। रिएक्शन विथ लुईस एसिड, AlCl3, BF3, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इजीली रिएक्ट विथ डाइथाइल ईथर, और ये इथरेट्स बनाते हैं, ये जो है वो इथरेट्स बनाते हैं। क्लियर? तो ये रिएक्शन किसके साथ में हो गई, आपके एसिड के साथ में। आगे देखिए पावर मैप के अंदर, रिएक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एयर में खुला छोड़िए हाइड्रो परऑक्साइड बनेगा, और ओजोन के साथ रखिए तो ईथर परऑक्साइड बनेगा, ये एक्सप्लोजिव है। और लास्ट में क्लीवेज वाली रिएक्शंस को यहाँ नहीं लिखा है, हर एक की रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बॉन्ड टूट जाता है तो एक बार भी टूट सकता है, और दोनों तरफ टूटेगा तो दोनों तरफ भी टूट सकता है, तो क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड। ये पावर में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, अच्छी तरह से पढ़िए, फिर हम इसके अंदर जो है वो हम आगे जाके इसके एक एक रिएक्शन को हम देखेंगे। तो अभी जो मेन पर्पस है वो पावर मैप को लर्न करना है, दो बार बोलिए पढ़िए, तीसरी बार हाथ से लिख लीजिए, पावर मैप याद होगा तो बहुत ज्यादा अच्छे से रिएक्शंस को आप कर पाएंगे। तो कीप इन माइंड, हर चैप्टर में मुझे पसंद है कि मैं पावर मैप मेथड से पहले आपको रिएक्शंस लर्न कराऊं, जैसे इसमें चार थे पावर मैप में। नंबर वन क्लोरिनेशन, सब्स्टिट्यूशन है लाइट के साथ क्लोरीन, डार्क के साथ क्लोरीन, अगर डार्क के साथ हुआ तो एक एक एच हटेगा और सीएल लगेगा, लाइट के साथ हुआ तो सारे एच हट जाएंगे और सीएल लग जाएंगे। दूसरा एसिड के साथ पे, तो ईथर इज बेस, न्यूक्लियोफाइल ईथर के पास लोन पेयर देता है, तो एसिड से रिएक्शन करेगा तो प्रोटोन को ले लेगा, एक तो प्रोटोनिक एसिड के साथ में, तो ऑक्सोनियम सोल्ट बनाएगा, और अगर BF3 AlCl3 लुईस एसिड के साथ में लिया तो ईथरेट्स बनाएगा। फिर ऑक्सीडेशन, तो आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन
नंबर वन ऑक्सीडेशन, जब उसको एयर में खुला छोड़ दो तो हाइड्रोपरऑक्साइड बन जाता है, लेकिन नंबर टू ऑक्सीडेशन, जब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है लाइक ओजोन तो आपका परऑक्साइड मिलेगा, और फाइनली क्लीवेज जो सबसे पहले हमने चर्चा की थी, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड एक बार भी हो सकता है और दोनों बार भी हो सकता है, और फिर डिफरेंट माइनस प्लस की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में देखेंगे हम इन रिएक्शंस की डिटेल सारी की सारी।